हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इतिहास की। महाभारत। महाभारत कथा प्राचीन भारत का रामायण के जैसा ही एक महाकाव्य है। महाभारत महाकाव्य का मूल रूप संस्कृत भाषा में जिसे महाभारतम कहा जाता है। इस महाकाव्य का नाम महाभारत इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें भारत के प्राचीन इतिहास का सबसे बड़े युद्ध का वर्णन किया गया है जो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। महाभारत के दौरान ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश अर्जुन को दिए थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे आजीवन अधर्म और पाप करने वाले दुर्योधन को कैसे मिला स्वर्ग में स्थान। आइए जानते हैं इस वीडियो द्वारा और क्यों सत्य और धर्म का साथ दे रहे पांडवों को नरक का अनुभव भोगना पड़ा। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध इतना भीषण था कि युद्ध में बहे खून के कारण आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल रंग की है। पांडवों और कौरवों के बीच हुए इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ यह तो हम सभी जानते हैं। कौरवों की सेना पूरी तरह से मारी जा चुकी थी। इसके बाद पांडवों ने कुछ वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने भी द्रौपदी समेत राजपाट का त्याग कर स्वर्गलोक जाने का निश्चय किया। अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को दे दिया और वे हिमालय की तरह स्वर्ग यात्रा में चल पड़े। वहाँ यात्रा में द्रौपदी समेत एक एक कर चारों भाई नीचे गिरते गए और आखिर में सिर्फ युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा एक कुत्ता ही जीवित बचा। इसके बाद युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए, लेकिन युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में गिरे पड़े हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ नहीं चल सकता। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है वह अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं और आप सहशरीर स्वर्ग जाएंगे। इंद्र की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि लेकिन मेरे साथ चल रहा यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी आप मेरे साथ स्वर्ग चलने की आज्ञा दें। काफी देर समझाने के बाद युधिष्ठिर नहीं माने और वे कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने से इनकार करते रहे। तब कुत्ते के रूप में उनके साथ चल रहा यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम सच में धर्मराज हो, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए और तुम उस पर खरे उतरे। इसके बाद एक देवदूत युधिष्ठिर को लेकर एक ऐसे मार्ग पर चले गए जहाँ चारों ओर घोर अंधकार था। उस मार्ग के चारों ओर से बदबू आ रही थी और इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने वहीं से वापस जाने का फैसला लिया। जब युधिष्ठिर वापस जाने लगे तो उन्हें कुछ दुखी लोगों की आवाज़ सुनाई दी जो उन्हें कुछ देर तक वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। जब युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी बताया। द्रौपदी और अपने भाइयों को देखकर युधिष्ठिर ने देवदूत को वहाँ से जाने को बोला और कहा कि वे यही अपने भाइयों के साथ रहेंगे। देवदूत ने यह बात जानकर देवराज इंद्र को बताई। इसके बाद सभी देवतागण वहाँ आ गए। देवताओं के वहाँ पहुँचने से चारों ओर प्रकाश छा गया, सुगंधित हवाएं चलने लगी। इसके बाद देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में सत्य और धर्म का साथ दिया, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुमने छल से द्रोणाचार्य का वध कराया था जिस कारण तुम्हें भी कुछ देर के लिए नर्क के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ तुम्हारे सारे भाई पहुँच चुके हैं। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को लेकर स्वर्ग गए। स्वर्ग में पहले से ही युधिष्ठिर के चारों भाई और द्रौपदी वहाँ पहुँच चुके थे, साथ ही वहाँ पर दुर्योधन भी था। दुर्योधन को देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अनिति का साथ देता रहा, तो आखिरकार क्या कारण है कि उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि दुर्योधन ने भले ही बहुत सारे पाप किए हो, लेकिन एक पुण्य भी उसने किया था और यह था कि दुर्योधन क्षत्रिय धर्म से वीरगति को प्राप्त हुआ था। अपनी संपूर्ण सेना नष्ट होने के बाद भी वह आखिर तक वीरता से लड़ता रहा और उन्हीं पुण्य के फलस्वरूप उसे कुछ काल तक स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसके बाद बाजू में खड़े इंद्र बताते हैं कि जिन लोगों के पाप ज्यादा होता है उन्हें पुण्य के फल पहले दे दिए जाते हैं और उसके बाद उन्हें नर्क की यातना दी जाती है जिससे वह उन यातनाओं को अपने अगले जन्म में याद रखे। इसके विपरीत जिन लोगों को पुण्य ज्यादा होते हैं उन्हें उनके छोटे पापों की सजा पहले दी जाती है जिससे वे अपने पुण्य फल शांति से भोग सके और उनका अगला जन्म स्वर्गीय चेतना के साथ हो। क्योंकि दुर्योधन ने अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ एक अच्छा काम और कई सारे पाप किए इसलिए उसे कुछ समय के लिए स्वर्ग मिला, इसके बाद उसे नर्क की यातना दी गई। इसी प्रकार पांडवों तथा उनकी तरफ से लड़े सभी राजाओं सिर्फ कुछ क्षणों तक ही
नर्क का दर्शन करना पड़ा, लेकिन इसके बाद तुरंत उन्हें स्वर्ग दे दिया गया था और वह भी उच्च कोटि का। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आई हो, दुर्योधन का अपने उद्देश्य पर कायम रहना, दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई और इसी कारण इसे सारे अधर्म कार्य करने के पश्चात भी कुछ समय के लिए स्वर्ग मिला था। तो इस तरह से आजीवन अधर्म और पाप करने के बावजूद भी दुर्योधन को स्वर्ग में स्थान मिला था। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।